हे गाइज़, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। सो यहाँ पे जो है ना, मैं मेहंदी लगवा रही थी और आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा इन्होंने ना मेरा अच्छे से हाथ भर दिया था और डिज़ाइन भी बड़े अच्छे अच्छे लगाए हुए थे। कहीं फ्लावर थे, कहीं पे कुछ था। सो अपने हिसाब से वो जितना कर सकती थी अच्छा वो कर रही थी। और यहाँ पे देखिए भुवन हेमा भी लिखा हुआ है। बस अब मेहंदी लगाने के बाद जो प्रॉब्लम्स आती है ना, वो आगे आप देख सकते हो। तो गाइस देखो, मेहंदी लगी हुई है और भैया खाना खिलाना पड़ रहा है। कल पूरे दिन मेरे चक्कर में भूखा रहना है, तो मैं कहा चलो आज हमारे हाथ से खा लो। हाँ, पहले शुभ ने खिलाया, फिर संकेत ने खिलाया, अब मैं खिला रहा हूँ। कल भूखा रहना है तो मुझे खिलाना पड़ेगा। शुभ भी खिलाएगा मम्मा को? हाँ। और गाइस ये देखो मेहंदी। तो गाइस देखो, मेहमान ने लगाई है मेहंदी और ये भाई साहब देखो मम्मा को खाना खिलाने वाले बना और इतनी तेज तेज खिला रहा है जैसे खुद खाता है ना। और ये देखो, ये है मेहंदी वाली मेहंदी। ये किसने दी आपको? अब इससे मैं पापा के रात को जब सो जाएंगे ना, चुपके से पापा के हाथ पे लगा दूंगा। ओ भैया खिला दे यार। हाँ। देख फिर पता लगा मम्मी छोले कुलचे की जगह मेहंदी खाने लगी। कितनी फास्ट फास्ट खिला। नहीं शुभ, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इतना बड़ा थोड़ी खा पाएगी अम्मा। हाँ इतना, उसमें छोले भी लगाना। हाँ चाउमीन भी, चाउमीन का है, अदरक है वो। ये देखो भैया मेहंदी लगाने का नतीजा। और ये देखो कितने बदमाश है। तभी कहूँ शुभ इतना शरीफ तो है नहीं कि मम्मा को खाना खिला दे। मुंह खोलियो शुभ, खुद भी खा लिए दोबारा से। सगा इसके इतने फेवरेट है ना छोले कुलचे। रोटी एक नहीं खाएगा, कुलचे चार चार खा जाएगा। और संकेत जोशी भी देखो, केवल खिला रहा हूँ बेटा। मम्मा ने कल पूरे दिन भूखा रहना है। क्यों? क्योंकि उनके व्रत है। हाँ, नवरात्रि का। कुछ भी। उसके बाद यहाँ ना हम आ गए थे थोड़ा सा जो है सामान वगैरह लेने के लिए करवा चौथ का। सो बस अब इस व्लॉग को ना ये छोटा सा ही बन पाया, इसको हम यहीं पर ही एंड कर देंगे। क्योंकि क्या हुआ था कि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, हम आगे का जो वीडियो था वो शूट नहीं कर पाए थे। सो इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं और उसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जो अगला व्लॉग आएगा ना बहुत अच्छा आएगा, तो उसको ज़रूर देखें। सो और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।